तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपके काला उछड़ में एक बार फिर से। तो दोस्तों देखो, ये LPG किट है ना। अब आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब देखो जैसे इसमें एक्सीलेटर दबाया, देखो मैंने पूरा दबा रखा है, देखो है ना, पूरा चिपका रखा है। और इंजन देखो, ये दोनों चीज़ दिखाता हूँ, देखो दबा रखा है इंजन, पूरा एक्सीलेटर ले ही नहीं रहा, यानी हाफ ले रहा। अब जैसे ही मैं इसके एयर के छेद के हाथ लगाऊंगा ना, तो देखना पूरा एक्सीलेटर आ जाएगा। ये देखो, अब दोस्तों ये क्या होता है, ये इसलिए हो जाता है जैसे इसमें कचरा आ गया। अब इसमें कचरा आने की वजह से इसकी गैस की सप्लाई है ना, उसको उसने लॉक कर लिया, मतलब जाम कर लिया। अब अगर अपन इसके हाथ लगाते हो तो ये क्या ताकत लगाता है इंजन, यानी जो एयर है ना यहाँ से खींचती एयर गैस को, वो ताकत लगाती है, उस वजह से क्या थोड़ी गैस तेज जाने लग जाती है, इससे इसमें एक्सीलेटर आ जाता है। अब इस प्रॉब्लम को लेकर यानी कई जगहों पर क्या बता दिया जाता है कि भैया आपका तो इंजन ही डाउन हो रहा है, इंजन इसका पिकअप नहीं बना रहा, ये पोजीशन बता दी जाती है जो गाड़ियाँ ये वाला किट में कई जगहों पर बता दी जाती है। जैसे हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने भी कहीं दिखवाया तो उन्होंने इनसे भी यही कहा कि भाई ये मान के चलिए थोड़ा इसका पिकअप डाउन हो रहा है, इंजन का काम होएगा ना, ऐसा बोला गया मतलब गुरुजी को, ये स्कूल में चलाते हैं सर। तो अब इस चीज़ के लिए देखो दोस्तों क्या चीज़ है, इसमें कचरा है तब हम इसकी सफाई नहीं कर रहे, हमारे पास एक सेकेंड हैंड है वो हम डायरेक्ट डाल रहे हैं। देखो दिखा देता हूँ, ये रहा, यानी ये सादा वाला है, यानी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे डिब्बी आती है, वो डिब्बी नहीं है, इसमें सादा वाला है, हम पूरा यही चेंज करेंगे। और फिर देखो चेंज करके आपको दिखाता हूँ, देखो कितनी प्यारी यानी इंजन पिकअप बनाता है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, अब मैं चाहूँ तो इसकी सफाई करूँगा तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या है यानी डायरेक्ट हम दूसरा डाल रहे हैं, हमारे पास पड़ा हुआ है वो हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है, मतलब सफाई पर्दे वर्दे सब डालकर, और ज़्यादा महंगा नहीं आता। देखो मैं बता दूँ इसके 200 रुपये के तो पर्दे आते हैं, और कुछ महंगा नहीं आता, बाकी तो रटम सटम बता दिया जाता है। तो चलो मैं ये चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखो हमने ये दूसरा वेपराइजर जो हमने तैयार करके रखा था वो डाल दिया, अब आपके सामने देखो स्टार्ट करता हूँ। ये देखो एक सेकेंड, अब देखो दोस्तों ये दूसरा वेपराइजर डाला है, बढ़िया। अब देखो अब स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो स्टार्टिंग वगैरह सब बढ़िया है। अब देखो इस पर एक्सीलेटर देने पर, फुल एक्सीलेटर ले रही है, यानी एक छोटी सी बीमारी थी बस। क्या दोस्तों, मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों क्योंकि मैकेनिकों का यह हाल है कि बीमारी क्या है और ख़त्म क्या बता दिया जाता है। अब ये अगर मान लीजिए वहाँ पे ये गुरुजी अगर इंजन खुलवा लेते हैं तो क्या होता है, इसमें इंजन भी हो जाता और वो इसकी भी सफाई कर देता और गाड़ी के एक्सीलेटर पकड़ लेती। तो ये चीज़ें नॉलेज मैं पब्लिक को इसीलिए बताता हूँ कि वो बचे रहें, अपना फ़ायदा ध्यान रखें भाई, कि इस तरीके से फालतू पैसा ना लुटाएं, नुकसान होने से। तो ये देख लीजिए एक छोटी सी यानी 5 मिनट का काम था दोस्तों, ये देखो अब अभी 5 मिनट के काम के वो इसमें गाड़ी में देख लो कितने पैसे लगा देता। इन चीज़ों से बचे रहने के लिए ही मैं ये चीज़ें वीडियो बनाता हूँ। अभी ये देखिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है ये की है, और ये देख लिया, और ये और बता देता हूँ, देखो ये तैयार करके रख रखा है ना, इसके मैं गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से 300 रुपये ले रहा हूँ मैं, 300 रुपये बताया ना आपको, 300 रुपये का काम किया है मैंने इसमें सिर्फ। ये देख लो यानी ये एक्सचेंज किया, यानी वो वाला रख लिया और ये वाला डाल के दे दिया, वो वाले को तैयार कर लूँगा, जब भी इनका चौक होगा मैं इनको वो वाला दे दूँगा, और ये काम के सिर्फ मैंने 300 रुपये लिए हैं दोस्तों। अब ये देख लिया, खां 300 और खां इनको 16,000, कितने बताए थे 16-17 हज़ार इंजन में है ना, 16-17 हज़ार रुपये खर्चा बताया था। तो इसीलिए मैं ये वीडियो डालता हूँ, ऐसी ही नॉलेज जो पब्लिक प्रॉफिट की मैं हमेशा मेरे चैनल पर डालता हूँ दोस्तों। और ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं नए मोबाइल से कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके बताएं कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ऐसी ही मैकेनिकल नॉलेज मेरे चैनल पर आती रहेंगी, तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मैं पब्लिक प्रॉफिट की मैकेनिकल वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, जिससे पब्लिक का फायदा होता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी और कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी और पब्लिक प्रॉफिट की होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।